Hi guys, today we will study the topic Bohr effect. Bohr effect आपका जो topic है ये respiration का है topic और ये explain करता है transport of oxygen. Bohr effect आपका oxygen का transport blood में कैसे होता है इसको explain करता है. Actually हुआ क्या? देखिए Bohr ने एक graph plot किया किसे किसके बीच percentage of hemoglobin saturated with oxygen. हीमोग्लोबिन का कितना परसेंटेज ऑक्सीजन के साथ सैचुरेट करता है और एक्स एक्सिस पर रखा उन्होंने ऑक्सीजन टेंशन जिसको हमने PO2 कहा. उन्होंने देखा जब 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट करता है ऑक्सीजन के साथ किस प्रेशर पे करता है 25 mmHg और जो ग्राफ उन्होंने प्लॉट किया तो ग्राफ आया सिग्मॉइड कर्व. इज इट तो P50 का मतलब क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन. मतलब P50 वो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का जिस पे 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट करता है ऑक्सीजन के साथ. तो P50 जो हीमोग्लोबिन का देखने को मिलता है वो 25 mmHg मर्करी कॉलम पे मिलता है. देखो इन्होंने कहा बोहर ने क्या कहा कि यदि हम पार्शियल प्रेशर CO2 का ब्लड में बढ़ा दें, ठीक है, अगर हम पार्शियल प्रेशर CO2 का ब्लड में बढ़ाते हैं तो जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए वो कम हो जाती है. मतलब इफ वी इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन ब्लड देन इट डिक्रीजेस ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन. मतलब अगर हम CO2 को बढ़ाएंगे तो उस केस में क्या होगा? HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा. ठीक है, अगर आप CO2 बढ़ाएंगे तो उस केस में क्या होगा? HbO2 का डिसोसिएशन बढ़ जाएगा. मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन बढ़ जाता है. CO2 बढ़ाते हैं तो H+ कंसेंट्रेशन भी बढ़ता है. H+ कंसेंट्रेशन बढ़ने का मतलब pH कम हो जाएगा. pH कम होने का मतलब एसिडिक मीडियम हो जाएगी और बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है. ठीक, और डिसोसिएशन HbO2 का बढ़ता है. अब चूंकि P50 जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. ठीक है, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए क्या होती है? उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो यहाँ पे HbO2 का डिसोसिएशन हो रहा है मतलब एफिनिटी कम हो रही है तो P50 क्या होगा? बढ़ेगा. और देखते हैं ग्राफ जो है P50 बढ़ेगा मतलब ग्राफ आपका शिफ्ट कर जाएगा नॉर्मल से राइट साइड. ये नॉर्मल है तो ग्राफ नॉर्मल से राइट साइड शिफ्ट कर जाता है. तो याद रखना बोहर में आ रहे हैं इसलिए ग्राफ शिफ्ट किधर करता है? राइट साइड में. इज इट क्लियर? तो इट एक्सप्लेन तो बोहर इफेक्ट क्या एक्सप्लेन करता है? बोहर इफेक्ट एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. उनको आप नोट कर लो. तो लिख सकते हैं इसमें बोहर इफेक्ट एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. बोहर इफेक्ट एक्सप्लेन्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को इसमें करते हैं. वहीं पर दूसरा इफेक्ट आता है हेल्डन इफेक्ट. दिस इफेक्ट एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. द ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हेल्डन इफेक्ट क्या कहता है? हेल्डन इफेक्ट ये कहता है अगर हम pH एज pH ऑफ ब्लड डिक्रीजेस, अगर ब्लड का pH घटता है, ठीक है, अगर ब्लड का pH घटता है तो मोर एंड मोर CO2 विल बी रिलीज्ड. अब ज्यादा से ज्यादा CO2 क्या होगी? रिलीज होगी. मोर एंड मोर CO2 इज रिलीज्ड. और हेल्डन इफेक्ट में जो ग्राफ होता है आपका शिफ्ट कर जाता है राइट साइड. ग्राफ शिफ्टेड टू राइट साइड. ग्राफ शिफ्ट कर जाएगा राइट साइड में. सॉरी हेल्डन में लेफ्ट साइड में जाता है. हेल्डन में ग्राफ शिफ्ट कर जाएगा किधर? लेफ्ट साइड में. ग्राफ शिफ्टेड टू लेफ्ट साइड.
इसको आप लोग बना लीजिए। तो ये था हमारा बोहर इफेक्ट और हेल्डन इफेक्ट। अगले टॉपिक्स हम बहुत जल्द रिलीज करेंगे, इट्स ऑल अबाउट बोहर इफेक्ट एंड हेल्डन इफेक्ट। देखिए बोहर इफेक्ट एंड हेल्डन इफेक्ट कंपेयर करते हैं, तो हेल्डन इफेक्ट में क्या होता है कि कर्व जो नॉर्मल कर्व है इससे शिफ्टिंग लेफ्ट साइड में होता है। मतलब हेल्डन इफेक्ट में कर्व किस में किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड में, और बोहर इफेक्ट में कर्व कहाँ शिफ्ट करेगा, राइट साइड में। हेल्डन इफेक्ट में क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का टिश्यू से लंग में, जबकि बोहर इफेक्ट में ट्रांसपोर्ट जो होता है ऑक्सीजन का कहाँ से, लंग से टिश्यू में जाता है। हेल्डन इफेक्ट जब ट्रांसपोर्ट होता है CO2 के लंग में, तो हेल्डन इफेक्ट बोलता है, देखो इस केस में क्या होगा, PO2 ज्यादा होगा। कहाँ पे PO2 ज्यादा होता है, जब PO2 ज्यादा होगा तो PCO2 कम होगा, pH बढ़ेगा और टेम्परेचर बॉडी का कम होता है। यहाँ से फैक्टर उल्टे पड़ जाते हैं, PO2 कम होगा, PCO2 ज्यादा होगा, pH कम हो जाएगा और टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। हेल्डन इफेक्ट में एफिनिटी जो होती है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के लिए बढ़ जाती है, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बढ़ जाती है। इस केस में एफिनिटी जो होती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए घट जाती है। ठीक है, अब ये कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो नॉर्मल कर्व तो नॉर्मल जो कर्व था इसको बोहर ने बताया था, ठीक है, और राइट साइड में कब शिफ्ट करेगा, बोहर इफेक्ट में, लेफ्ट साइड में कब शिफ्ट होगा, नॉर्मल से आपका हेल्डन इफेक्ट में। अब देखते हैं ये एक्चुअली फिनोमेना होती कैसे, हेल्डन इफेक्ट और बोहर इफेक्ट में इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो बोहर इफेक्ट अगर देखो, जब ब्लड टिश्यू में पहुंचता है तो टिश्यू में क्या ज्यादा होगा, PCO2 ज्यादा होगा। ठीक है, CO2 ज्यादा होगा तो CO2 वाटर से कंबाइन करेगा, बना लेगा कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड वीक होता है, टूट जाएगा H+ और SCO3- साइन में। तो जब H+ कंसंट्रेशन बढ़ेगा मतलब pH घटेगा, और pH के घटने के कारण और PCO2 का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट कर जाएगी किसमें, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में, और ये जो ऑक्सीजन निकला है, जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है वो चला जाता है कहाँ पे, टिश्यू में। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बोहर इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इज इट क्लियर। हेल्डन इफेक्ट देखो, जब ब्लड लंग में पहुंचता है तो लंग में PO2 ज्यादा होता है, PO2 ज्यादा होता है तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है वो डिसोसिएट कर जाता है किसमें, हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है वो कहाँ चला जाएगा, लंग्स में एक्सपायरेशन के लिए। तो हम ये कह सकते हैं हेल्डन इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। तो HB+CO2 को हम कहते हैं HB मतलब हीमोग्लोबिन, जब CO2 से कंबाइन करता है तब जो स्ट्रक्चर बनता है इट इज कार्बोनो हीमोग्लोबिन एंड इट इज अनस्टेबल कंपाउंड। इट्स ऑल अबाउट हेल्डन इफेक्ट एंड